नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल, बिहार का सबसे विश्वस्त चैनल मोटिवेशनल चैनल। मैं विवेकानंद यादव, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह बिहार के राजनीति में हलचल पैदा कर देने वाली बात है। एनडीए को बिहार में हराने के लिए भीतरघात करने वाले और एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए कमर कसी हुई थी जदयू के व्यक्ति, जदयू के नेता। जदयू के नेता ने कहीं न कहीं भाजपा और लोजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए कमर कसा हुआ था। सूत्रों को माने तो चुनाव, अंतिम चरण के चुनाव के बाद एनडीए के नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चिन्हित करके कुछ लोगों को अपने दल से निकालकर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं एनडीए में मतभेद था, तोड़फोड़ की भूमिका चल रही थी और एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए जदयू के नेतागण घूम घूम कर लोगों को समझा रहे थे कि नोटा में वोट दे दें या उस उम्मीदवार को वोट न देकर चुनाव को हरा दें। ऐसी भूमिका में रहने वाले कुछ लोगों का नाम सूत्रों ने बताया, मुन्ना शुक्ला, अन्नू शुक्ला, नरेंद्र सिंह, सुमित सिंह, ये जदयू के मुख्य रूप से विधायक गण और पूर्व विधायक गण है। इन लोगों ने जमुई में कमर कसा कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को हरा देना है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला, अन्नू शुक्ला ने प्रयास किया कि उम्मीदवार को हरा देना है, एनडीए उम्मीदवार को। इसी प्रकार कमोबेश पूरे बिहार के एनडीए उम्मीदवार के जदयू उम्मीदवार हराने का प्रयास किया, भीतरघात किया और आज एनडीए की इतनी बुरी हालत होने के पीछे भीतरघात सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार जी के जदयू में टूट होने की प्रबल संभावना है। सूत्रों की माने तो 23 तारीख के बाद नीतीश कुमार जी की पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। कुछ लोग महागठबंधन में आ जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, कुछ लोग अन्यंत्र चले जाएंगे। तय है कि जनता दल यूनाइटेड की खिसकती हुई जमीन, जनता दल यूनाइटेड की गिरती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के छोटे बड़े नेतागण सहित विधायक भागने की जुगाड़ में लग चुके हैं। क्योंकि बिहार में एनडीए की करारी हार होने वाली है जैसी खबर मिल रही है, इस खबर के बाद जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी सी छा गई है। जनता दल यूनाइटेड के नेतागण एनडीए को हराने के लिए जगह जगह कैंप किए, प्रचार किए, घूम घूम कर नोटा दबाने का के लिए प्रेरित किए और विरोध कर एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ समस्तीपुर में भी मुहिम चलाया। इस चलाए गए मुहिम के कारण बिहार में सबसे बुरी हाल एनडीए की होने जा रही है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के ऊपर कुछ उम्मीदवारों से पैसा लेकर टिकट बेचने की भी बात कही गई कि मोटी रकम लेकर टिकट दे दी गई फंड के लिए। नीतीश कुमार के कथनी और करनी में अंतर है। नीतीश कुमार जी अपने को विकास पुत्र कहते हैं लेकिन उनके दिल में बहुत ज्यादा काला है। समर्पित उम्मीदवार को, समर्पित कार्यकर्ता को उन्होंने तरजीह नहीं दिया। वे चुनावी दरमियान में कार्यकर्ताओं से मिलना उचित नहीं समझते थे। वो अपने आप को देश के बड़े नेता मानना प्रारंभ कर दी है, उनके अंदर में अहंकार भर गई है। आज नियोजित शिक्षकों की जो समस्या उत्पन्न हुई,
इस समस्या के उत्पन्न होने से भी एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा और आने वाले समय में झटका लगना तय है। इसलिए जदयू के अंदर के जितने भी नेतागण हैं वह इस बात को बखूबी जान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का लोकप्रियता घट चुका है, लोगों का भरोसा कम हो गया है, इसलिए अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए कहीं और दूसरे दरवाजे को खटखटाना होगा। भीतर भीतर बहुत जबरदस्त खेमाबाजी तैयार हो चुका है, बहुत जल्द जदयू टूट कर बिखर जाएगी। एक ओर नीरज कुमार प्रवक्ता की तानाशाही, दूसरे ओर पीके को साइड करना, तीसरे ओर आरपीसी सिंह की अलग भूमिका, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की अलग भूमिका, अन्य उम्मीदवारों की अलग भूमिका, इन सारे कारणों से जोड़कर देखा जा रहा है और सूत्रों के खबर के मुताबिक एनडीए के नेताओं ने भी, लोजपा और भाजपा के नेताओं ने भी नीतीश कुमार को कंप्लेन किया कि आपके दल के लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया है। तो बहरहाल देखना यह है कि जदयू टूटकर कितने टुकड़े में बिखरती है, बिखरना तय है। मैंने समझा कि आपको समाचार दूं और मैं सत्य बात बताता हूं, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।